कुछ डॉग बिहेवियर्स को समझना काफी इजी होता है, जैसे जब आपका पपी आपको खाते वक्त देखकर जो लुक देता है कि उसे भी एक बाइट चाहिए। बट कुछ ऐसे डॉग बिहेवियर्स होते हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता, जैसे डॉग्स आखिर क्यों भौंकते हैं जब भौंकने के लिए कोई होता ही नहीं, या फिर डॉग्स हाउल क्यों करते हैं, या फिर अपने सिर को टिल्ट क्यों करते हैं। साइंटिस्ट को भी ये नहीं पता कि डॉग्स हाउल क्यों करते हैं, बट अगर हम डॉग्स के एंसेस्ट्री यानी वुल्फ्स को देखें तो वहां से हमें इसका कुछ अंदाजा आ सकता है कि आखिर डॉग्स हाउल क्यों करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 7 रीजंस आखिर डॉग्स हाउल क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपने एंसेस्ट्री की वजह से। कुछ डॉग ब्रीड्स जैसे हस्की, अलास्कन मैलमुट, अकीता एंड शिबा इनू, ये अपने एंसेस्ट्री में काफ़ी रूटेड रहते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि ये डॉग ब्रीड्स बाकी सबसे ज़्यादा हाउल करते हैं। पर सिर्फ ये ही ब्रीड्स हाउल करें ऐसा ज़रूरी नहीं, और भी बहुत से डॉग ब्रीड्स हैं जो हाउल करते हैं। डॉग्स सिर्फ इसलिए हाउल नहीं करते बिकॉज वो एंग्शियस है, बट बहुत बार वो हाउल करके अपने पैक यानी ग्रुप को बुलाने के लिए हाउल करते हैं। जब डॉग्स का पैक, जो आजकल उनके ह्यूमंस मॉम एंड डैड है, वो उन्हें अटेंशन नहीं देते या फिर उन्हें लगता है वो उनसे दूर जा रहे हैं, तब डॉग्स हाउल करके उन्हें ये सिग्नल देने की कोशिश करते हैं कि अब आपको वापस आ जाना चाहिए। सेकेंड रीजन है आपका पपी आपको मिस कर रहा है। दो ऐसे साइंस जो बताते हैं कि आपका डॉग आपको मिस कर रहा है वो है हाउल करना एंड घर को सिर पर उठाना। अगर आप ऐसे डॉग्स को शांत करना चाहते हैं तो उन्हें बाहर लेके जाए एंड थोड़ी देर दौड़ भाग करने दीजिए, ये उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज करने में हेल्प करेगा। वैसे तो मार्केट में कुछ ट्रीट्स अवेलेबल हैं जो आपके पपी को बिजी रखेंगे एंड सेपरेशन एंजाइटी से भी नहीं होने देंगे। उनके बारे में जानने के लिए आप किसी वेट से कंसल्ट जरूर करें। थर्ड है दूसरे डॉग्स के साथ कम्युनिकेट करना। अब चाहे वो वुल्फ का हाउल हो या आपके प्यारे पपी का, ये दोनों ही हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर डॉग्स एक साथ ही हाउल क्यों करते हैं एंड क्या उनकी कोई सीक्रेट लैंग्वेज है जो हमें पता नहीं है। वेल, इसका आंसर हाँ है। वाइल्ड में डॉग्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हाउल करते हैं। हमारी अर्बन दुनिया में हाउल्स साइरन्स एंड म्यूजिक से रिप्लेस हो गए, बट डॉग्स आज भी जब हाउल करते हैं तब वो अपने पैक के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ही करते हैं। आपके पपी जब हाउल कर रहा है तो वो या तो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या फिर फायरवर्क्स या कोई आवाज़ की वजह से। फोर्थ, वो बस अपना काम कर रहा है। क्या कभी आपने सोचा कि आखिर डॉग साइरन के साइन पे ही भौंकना क्यों शुरू करते हैं? वेल, वो तो बस अपना काम कर रहा है। जब बात पैक लाइफ की आती है तो डॉग्स का अपना अपना रोल होता है। कुछ स्काउट्स का रोल प्ले करते हैं जो आगे जाके चेक करते हैं एंड कोई डेंजर होने पर पैक को हाउल करके बताते हैं, एंड साइरन्स डॉग्स के लिए थ्रेटनिंग होता है। पार्क में जो लीडर होगा वो साइरन सुनते ही हाउल करेगा बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए। इवोल्यूशन की वजह से जो बेनिफिट डॉग्स को वाइल्ड में मिली थी अब वो मुसीबत बन रही है। जैसे डॉग्स अपार्टमेंट में रहने वाले लग रहे हैं जहाँ जब वो हाउल करते हैं तब बहुत लोगों को तकलीफ होती है। अगर आप भी अपने लिए एक डॉग लेने की सोच रहे हैं तो एक बार अपने अपार्टमेंट के लोगों का ज़रूर सोचिएगा। फिफ्थ, उन्हें ठीक नहीं लग रहा। डॉग्स को जब ठीक नहीं लगता तब भी वो हाउल करते हैं। ये डॉग्स का एक तरीका होता है ये बताने का कि उन्हें ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि ये बोल पाना थोड़ा मुश्किल है कि डॉग्स जब हाउल करके रोते हैं तो वो किस इलनेस की वजह से है या फिर इसका कॉज कुछ और ही है। इसके लिए आपको एक बार वेट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सिक्स्थ, आपके पपी को आपका अटेंशन चाहिए। बेशक आपका वो छोटा सा क्यूट पपी और भी क्यूट लगता है हाउल करते हुए, बट क्या आप जानते हैं अगर आपने उन्हें सही से ट्रेन नहीं किया तो आगे जाके उनकी यही आदत आपके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगी। अगर आपका पपी हाउल कर रहा है एंड ऐसे करने पर आप उसको बहुत सारा अटेंशन दे रहे हैं तो ये उसकी आदत बन जाएगी, और अगली बार उसको जब भी आपसे कुछ चाहिए होगा तब वो हाउल करेगा। अगर आपको पता है कि आपका डॉग बीमार नहीं है एंड सिर्फ अटेंशन के लिए हाउल कर रहा है तो उस पर ध्यान ना दें एंड उसे शांत करने की कोशिश करें। सेवेंथ, आपके पपी के पास कोई गुड न्यूज़ है। डॉग्स हाउल करते हैं जब वो हैप्पी एंड एक्साइटेड होते हैं।
हंटिंग ब्रीड्स जैसे बीगल्स, फॉक्स हाउंड्स एंड बेसेट हाउंड्स हाउल करते हैं अलर्ट करने के लिए उनके ह्यूमन हंटिंग पार्टनर्स को जब वो किसी प्रे को लोकेट करते हैं। कुछ डॉग्स ट्रीज के बेस को देखकर बार्क करते हैं जब तक कोई ह्यूमन वहाँ नहीं आ जाता। ये डॉग्स के उनके ह्यूमन पार्टनर को बुलाने का तरीका होता है, अगर वो कभी अलग हो जाए तो। अब आपका पपी कहीं हंट पर तो जाएगा नहीं, बट फिर भी अगर उसे कभी कोई यूनिक चीज़ मिल जाए तो उसकी खुशी में ही हाउल करने लगेगा। क्या करें अगर आपको ये नहीं पता कि आपका डॉग हाउल क्यों कर रहा है। अगर आप एक न्यू डॉग पेरेंट हैं एंड हाउलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो ये क्वेश्चन आना नेचुरल है। ऐसे में आप किसी ऐसे से हेल्प ले सकते हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। जब भी कोई डॉग हाउल करता है उसका रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि आपका डॉग पेन में हाउल कर रहा है तो जल्द ही किसी वेट को दिखाए। वो आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि कहीं आपके डॉग की कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो और भी डॉग मॉम्स एंड डैड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पपी को और अच्छे से जान पाए। अगर आपका कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, उसको भी आप कमेंट करके बता सकें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।